गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर राय हूँ। मैं यहाँ मोहाली में मैक्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और साथ ही साथ मेरी एक अपनी पर्सनल क्लिनिक भी है फेस7 मोहाली में। इस एपिसोड में हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये महिलाओं में भी उतना ही होता है जितना पुरुषों में होता है। अब प्रैक्टिकल तौर पर इसको हम लोग तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं या तीन टाइप का हो सकता है। पहला है जो सबसे कॉमन है, उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल यूरिन को जैसे होल्ड करता है और अगर वॉशरूम दूर है या टाइम से जा नहीं पाए तो यूरिन अपने आप निकल जाता है। दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस। ये तब होता है जब पेट के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और आदमी जैसे जोर से हंसता है, कोई वजन उठाता है, खांसी करता है तो स्वतः ही यूरिन निकलने लगता है। और तीसरा है मिक्स, जिसमें अर्ज भी होगा और स्ट्रेस भी होगा। इसके जो ज्यादा सबसे कॉमन कारण है वो है अंडरलाइंग पैथोलॉजी, जैसे डायबिटीज मेलिटस है, इन्फेक्शन है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, मल्टीपल डिलीवरीज है या ओबेसिटी भी कर सकते हैं हद तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही इस तरह का कोई सिम्टम हो डॉक्टर से जरूर इलाज चाहिए, क्योंकि पोस्टपोन करने से कोई फायदा नहीं होता। जहां तक इसका मैनेजमेंट का सवाल है, उसके लिए सबसे पहले एक बार अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे इवेल्युएट करवाएं और ये पता करें कि किस टाइप का एक्चुअली प्योर अर्ज है, स्ट्रेस टाइप है या मिक्स्ड है। ज्यादातर देखा गया है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस वाले जितने मरीज हैं उनको दवाई से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर वो कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, जैसे इन्फेक्शन है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज है या अंडरलाइंग कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको मैनेज किया जाए। बॉडी फ्लूड्स को जो ज़्यादा लेते हैं, पानी पीते हैं, उसको कम किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं और आजकल बड़ी दवाइयाँ निकली हैं, वो लोग ज़्यादा तक ठीक किए जा सकते हैं। जो दूसरा ग्रुप है स्ट्रेस वाला, ये तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही पेट के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि आप कोई मोटापा है, कई मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई हैं या खांसी किया, छींक किया तो यूरिन निकल जाता है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको भी डॉक्टर को असेस करवाने की जरूरत है। अगर शुरू शुरू में अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो जैसे ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 2 हुआ, उसको आप आराम से वेट रिडक्शन, अंडरलाइंग पैथोलॉजी उसको करेक्ट करवा के, फ्लूड को रेस्ट्रीट करके और सर्टेन एक्सरसाइजेज हैं जैसे किजल एक्सरसाइजेज हैं उनको करने से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। थैंक यू। महापूजा के आखिरी दिन तक